हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भारत का ये राज्य जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती है ही कुछ ऐसी। हर तरफ हरियाली है, खूबसूरत पहाड़ है, झीले हैं। भारत का सबसे छोटा स्टेट होने के बावजूद ये राज्य अपने कल्चर और लोगों की वजह से हर जगह पॉपुलर है। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की पूजा होती है जो भारतीय सेना का हिस्सा था। एक ऐसा राज्य जहाँ भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कंचनजंगा है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है इस राज्य में। हर साल इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन होता है भारत के स्टेट में, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक सिक्किम के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, दुनिया में कई खूबसूरत जगह हैं जहां लोग घूमने जाते हैं और वहां से अच्छी यादें लेकर लौटते हैं। ऐसी ही एक जगह है सिक्किम, जिसे भारत की सबसे सुंदर जगह कहा जाता है। सिक्किम का नाम सुनते ही अपने आप दिमाग में ऊंची पहाड़ी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है, क्योंकि ये राज्य है ही इतना सुंदर। यहाँ सैकड़ों झीलें, नदियाँ, बौद्ध मठ, स्तूप और पहाड़ हैं। सिक्किम को भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक माना जाता है और ये राज्य बसा है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में। आबादी के लिहाज से सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम के उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत की सीमा लगती है, वहीं दक्षिण पूर्व में भूटान से और वहीं पश्चिम में नेपाल की सीमा से लगती है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है और शिवालिक की पहाड़ियों पर 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही बौद्ध धर्म के लोगों के लिए गैंगटॉक एक बहुत ही खास जगह है। बड़े बड़े पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ और स्पार्कलिंग ऑर्किड यहाँ की सबसे बड़ी खासियत हैं। गैंगटॉक देश के सबसे अच्छे ट्रेकिंग स्पॉट के लिए पॉपुलर है। दरअसल गैंगटॉक की इकॉनमी टूरिज्म पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए राफ्टिंग और ट्रेकिंग सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स माने जाते हैं। दोस्तों, सिक्किम भारत के कई भाषाओं वाला राज्य है, जो इस जगह को बनाता है सबसे अलग। इस राज्य में एक नहीं बल्कि कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें नेपाली, सिक्किमी, हिंदी, लेप्चा, तमांग, लिम्बू, निवाड़ी, राय, गुरुंग, मगर, सुनवर और अंग्रेजी शामिल है। साथ ही इस राज्य में आपको बहुत तरह के धर्म के लोग मिलेंगे। बौद्ध, चीनी, तिब्बतियों के साथ हिंदुओं की संख्या भी यहाँ भारी संख्या में है। बता दें कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के स्थानीय लोग असल में अलग देश के मूल निवासी हैं। बता दें, सिक्किम में रहने वाले ज्यादातर लोग नेपाली मूल के हैं। भारत के कई राज्यों में गंदगी देखना तो आजकल आम बात हो गई है, जहाँ लोग जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, लेकिन सिक्किम राज्य इस मामले में सबसे अलग है। आपको जानकर खुशी होगी कि सिक्किम को भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य माना जाता है। दरअसल यहाँ के लोग ही बड़े कमाल के होते हैं। ये लोग कभी भी गंदगी नहीं फैलाते और अपने शहर को हमेशा साफ रखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम को 2016 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया था। यहाँ लोग अपने घरों के अलावा आसपास की जगह को खुद ही साफ रखते हैं, क्योंकि सिक्किम के लोगों का ऐसा मानना है कि सफाई के लिए हर बार सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि लोगों को खुद इसके लिए जागरूक होना चाहिए। तभी तो यहाँ हर साल टूरिस्ट सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। की एक खास चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा और जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो सिक्किम में ही है। वैसे तो आप जानते हैं कि हिमालयन चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन 1800 तक कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता था। इस चोटी के साथ जुड़े हैं कई ऐसे राज जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। माना जाता है कि कंचनजंगा की चोटी पर भगवानों का निवास होता है, इसलिए कोई भी वहां तक नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पे खड़ा नहीं हो पाया है। हालांकि 200 पर्वतारोहियों ने इसके काफी पास जाने की कोशिश की, जिसमें से कुछ लोग इसी कोशिश में मारे गए, इसलिए कोई भी कंचनजंगा चोटी से कुछ फीट दूर ही रुक जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ कई लोग गायब भी हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि कंचनजंगा पर आज तक जिन लोगों की भी मौत हुई, उनके शव आज तक नहीं मिले। यहाँ भूतों का घर भी माना जाता है। और ऐसा भी माना गया है जो प्रेत और आत्माएं इस चोटी पर हैं, वो उन सभी की हैं जिनकी यहाँ मौत हुई है। इसके अलावा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज सिक्किम में ही है, जिसे सिंगशोर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। गैंगटॉक में स्थित सिंगशोर ब्रिज को सिक्किम का सबसे ऊंचा पुल और एशिया में दूसरा सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिंगशोर लगभग 260 मीटर लंबा है और पश्चिम सिक्किम में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये ब्रिज टूरिस्ट के बीच इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ से आधे सिक्किम की खूबसूरती को देखा जा सकता है। सिक्किम आने वाले टूरिस्ट इस ब्रिज को देखे बिना नहीं जाते। दोस्तों, सिक्किम में देखने के लिए काफी कुछ है। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी ही कुछ ऐसी है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लाते हैं। सिक्किम में हर साल मार्च से मई के बीच इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन होता है। ये इवेंट सिक्किम का सबसे खास इवेंट माना जाता है।
जाता है जिसे देखने पूरे भारत से लोग आते हैं। अब जब फूलों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इस छोटे से राज्य में करीब 500 फूल और पौधे हैं, जिसमें 550 स्पीशीज के ऑर्किड, 30 प्राइमलिस प्रजातियाँ, 36 रोडोडेंड्रॉन प्रजातियाँ, 11 ओक वैरायटीज, 23 बैम्बू की किस्में, 362 प्रकार के फर्न और 424 औषधीय पौधे हैं। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि सिक्किम की प्राकृतिक खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप यहाँ पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्किम पक्षियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पक्षियों की 552 प्रजातियाँ मिलती हैं और कीट पतंगों की 690 प्रजातियाँ। वहीं यहाँ के हिमालयन वल्चर अपनी अनोखी पहचान रखते हैं। किसी भी जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। खूबसूरती से शुमार इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की संस्कृति। सिक्किम की आबादी ज्यादातर नेपाली होने के बावजूद भारत के सभी हिंदू त्योहारों जैसे दीपावली और दशहरा मनाते हैं। लोसर यहाँ के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। लोसर मतलब न्यू ईयर। वैसे लोसर तिब्बती न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है और ये त्योहार सिक्किम के साथ साथ भारत के कई और हिस्सों में भी मनाया जाता है। लेकिन जब बात सिक्किम की आती है तो यहाँ का नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। इस दौरान यहाँ ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो भारत के अन्य त्योहारों से बिल्कुल अलग है। लोसर उत्सव करीब 15 दिनों तक मनाया जाता है। 15 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत घरों और मंदिरों में रोशनी के साथ होते हैं। चारों ओर रोशनी से पूरे सिक्किम समेत देश का हर वो हिस्सा जगमगा उठता है जहाँ तिब्बती लोग रहते हैं। लोसर के अलावा भूमचू सिक्किम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। भूमचू को सिक्किम की शान माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको सिक्किम की संस्कृति के बारे में जानना है तो भूमचू त्योहार में एक बार जरूर हिस्सा लें। भूमचू त्योहार मूल रूप से बौद्ध त्योहार है जो तिब्बतन कैलेंडर के पहले महीने के 14वें और 15वें दिन में मनाया जाता है। जिस तरह उत्तर भारत में गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक वैसे ही सिक्किम में भूमचू पवित्र जल है जिससे लोगों को पवित्र किया जाता है। ताशिदिंग बौद्ध मठ में भूमचू द्वारा लोगों को पवित्र किया जाता है, जो यहाँ की पुरानी परंपरा है। कला की बात करें तो थंका पेंटिंग सिक्किम की स्थानीय कला है जो बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसमें बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत को दर्शाया जाता है और सिक्किम में आपको हर घर में थंका पेंटिंग से बनी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यहाँ बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि उनके घरों में थंका पेंटिंग होने से बुरी ताकतें यहाँ के परिवार से दूर ही रहती हैं। खाने की बात करें तो नूडल्स से बनी चीजें जैसे थुकपा, चाउमिन, थिन थोक, गैथोक और वॉन्टन सर्व इस राज्य में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। इसके साथ ही चांग, जो कि एक पहाड़ी बियर है, सिक्किम की सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। ये ड्रिंक यहाँ के हर इवेंट का हिस्सा होते हैं। साथ ही यहाँ घर आए मेहमान का स्वागत इसी ड्रिंक के साथ किया जाता है। माना जाता है कि कई साल पहले पहाड़ों पर रहने वाले हिममानव ने इस ड्रिंक की खोज किए थे। सिक्किम के लोग चांग को कई तरह की बीमारियाँ ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस राज्य के लोगों का फैशन सेंस भी सबसे अलग है। यहाँ लोग ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा पहनते हैं। यहाँ के भूटिया समुदाय के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा खो है, जिसे बाखो के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सिक्किम में बसे नेपाली लोगों की वेशभूषा में भी सम्मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ के लेप्चा समुदाय के पुरुषों की वेशभूषा को थोरको दुम के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी भी सिक्किम घूमने जाएं तो यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस जरूर ट्राई करें। हमने पहले भी बताया है कि सिक्किम में हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। सिक्किम ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों की देखरेख एक अलग मंत्रालय द्वारा की जाती है। सिक्किम में वैसे तो हजारों लाखों मंदिर मठ हैं, पर इंसान की पूजा यहाँ सिर्फ बाबा हरभजन की होती है। जी हाँ, ये मंदिर है बाबा हरभजन सिंह का। दरअसल बाबा हरभजन को भारतीय सेना के सबसे जांबाज सैनिक के तौर पे जाना जाता है। साथ ही बाबा हरभजन को नाथुला के हीरो के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर चीनियों को रोक के रखा और काफी सैनिकों की जान बचाई। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी जिंदा हैं और जब कभी भारतीय सेना का कोई जवान ड्यूटी के टाइम सो जाता है तो वो उसे थप्पड़ मार के जगा देते हैं। सिक्किम में फुटबॉल और क्रिकेट सबसे पॉपुलर खेल हैं। आपने भाईचुंग भूटिया का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। उनका जन्म सिक्किम में ही हुआ था। उनकी वजह से ही आज सिक्किम में फुटबॉल काफी पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा और भी भारत के कई ऐसे महान लोग हैं जिनका जन्म इसी राज्य में हुआ था। दोस्तों, यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे टिकी हुई है। यहाँ के किसान इलायची, अदरक, संतरा, सेब और चाय आदि की खेती सबसे ज्यादा करते हैं। साथ ही चावल राज्य के दक्षिणी इलाकों में सीढ़ीदार खेतों में उगाए जाते हैं। सिक्किम राज्य का चावल पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। कृषि के अलावा टूरिज्म सिक्किम की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जरिया है। पिछले कुछ सालों में सिक्किम की सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू किया है, जो आने वाले समय में इस राज्य के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, सिक्किम में कोई रेल नेटवर्क नहीं है। सबसे पास का रेलवे नेटवर्क पश्चिमी बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी है, जो गैंगटॉक समेत पूर्वोत्तर के कई बड़े शहरों को जोड़ता है। इसके अलावा ये स्टेशन भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन जैसे कोलकाता और दिल्ली से जुड़ा है। सिक्किम का अपना कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, हालांकि कुछ साल पहले गैंगटॉक से 30 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा चुका है। इसके बाद सबसे पास का एयरपोर्ट पश्चिमी बंगाल में बागडोगरा है, जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, अगर आपका सिक्किम जाने का प्लान है और अगर आप सड़क के रास्तों के जरिए इस राज्य की सैर करना चाहते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ का रोड नेटवर्क है सबसे बेहतर। पश्चिमी बंगाल
के उत्तरी हिस्से से होते हुए भी सिक्किम पहुंचा जा सकता है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी जैसे शहर गैंगटॉक समेत राज्य के अन्य शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं। ये राज्य भारत के सबसे छोटे राज्यों में शामिल है, इसलिए यहां घूमने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। सिक्किम की एक हफ्ते की यात्रा के लिए आपका खर्च आ जाएगा 15,000 से 20,000 रुपए तक। दोस्तों, ये था हरियाली से भरा खूबसूरत राज्य सिक्किम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको सिक्किम की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो सिक्किम, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप में से कोई सिक्किम से हो तो हमें बताना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।